अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज ये दिखा रही हूँ, ये हमारी यहाँ एक पेड़ है रेड कलर का मुसंडा। कितने खूबसूरत, इतने देखिए फूल आ रहे हैं। इस टाइम सीजन है इसका, फूलों का। बिल्कुल सही गैस की आपने सही पहचाना, बिल्कुल ये हैं करौंदे। बिल्कुल सही पहचाना, करौंदे हैं। और इसका मैंने बनाया है, मीठी चटनी बनाई है। लोग इसका अचार भी बनाते हैं, लेकिन चटनी जो बनाई है वो तो बहुत ही टेस्टी है इसकी चटनी। और सबने पहचान लिया उसके लिए, इसको सबने पहचान लिया कि ये करौंदा ही है। बिल्कुल सही है, राइट, करौंदा। ये हमारे घर में तो हम इसका यूज़ यही कर लेते हैं, मीठी चटनी बना बना के रख लेते हैं, खाते भी हैं इसको ब्रेड पे लगा के। ये देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी है। ये बिल्कुल सही पहचाना आपने सबने। देखिए नींबू का अचार मैंने आपको दिखाया, ये घर के ही नींबू हैं। देखिए लवली डिलीशियस, इतना जूसी है ये, बहुत ज़्यादा जूसी। इसका हम अचार बनाते ही बनाते हैं, इसका जो है शिकंजी बनाते हैं शाम को। कितना अच्छा लगता है शिकंजी पीना, और बहुत अच्छा लगता है इसको जो है, सारी चीज़ों में यूज़ होता है नींबू का, क्या कहना था। बहुत अच्छा नींबू है हमारा, खट्टा मीठा अचार भी डालती हूँ इसका मैं। बहुत बहुत बड़ा रसीला जूसी है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मौसमी के साइज का, जैसे मौसमी हो ऐसा है ये। बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत अच्छा इसका जो रस होता है, बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, इसका जो है अचार भी बहुत अच्छा होता है, तो अचार ही बना लेती हूँ। और ये जो है शिकंजी वगैरह पीते हैं हम लोग, नींबू पानी पीजिए, कितना फ़ायदेमंद है ये, बहुत ज़्यादा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, और आप ऐसे ही ब्लॉग देखती रहिए और मेरे ब्लॉग को पसंद आए तो शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और भी आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो दिखाती रहूँगी, ब्लॉग बना बना के। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखिए गुच्छों से कितने अच्छे आ रहे हैं ये। बहुत अच्छे आ रहे हैं ये। ये देखिए, हमने करौंदों की मीठी चटनी बनाई है, करौंदों की डिलीशियस मीठी चटनी। इसकी लोग अचार भी बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसकी मीठी चटनी लोग बहुत पसंद करते हैं। इसको ब्रेड पे लगा के खाते हैं, बहुत टेस्टी होती है ये। आपको हमने बनाया है,
होममेड घर का, ये देखिए मिर्च का अचार, ये बनाया मिर्च का अचार। और ये हमने बनाया है आम का अचार, ये हमारे खुद का बनाया हुआ है आम का अचार। ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये बनाया है नींबू का अचार, घर के नींबू है ये, इसका हमने अचार बनाया है। इसका अचार बहुत अच्छा होता है, नींबू का अचार बनाया है। कभी मैं मीठा वाला बना लेती हूँ, और ये बनाया मैंने, अगली बार आपको दिखाऊंगी बनाते हुए भी कैसा बनाती हूँ मैं, इसकी रेसिपी शेयर करूँगी मैं आपको। सब कुछ मैं घर पे ही बनाती हूँ। लोग घर का ही खाते हैं सारे अचार। आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सुहाना, देखिए कितना लाजवाब सुहाना मौसम है। फिर आके बहुत लाजवाब सुहाना मौसम है आज। Thank you.
ये है साहब बारिश का व्यू, सुहाना मौसम, लाजवाब।